आजादी के 75वीं सालगिरह देशभर में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में यवतमाल जिले के दिग्रज शहर में रविवार को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरम की ओर से बाइक रैली का शानदार आयोजन किया गया। इस दौरान फोरम के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बाइक रैली निकालकर जीरो शहर से तहसील चौक तक तहसीलदार प्रवीण धानोरकर ने हरी झंडी दिखाई। भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करत आहोत। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला आणि त्याचा 75वा हा वर्धापन दिवस आहे। शासनाने घर घर तिरंगा आणि अनेक अभियान राबून जनतेमध्ये राष्ट्रप्रेम जागृत करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याचाच एक प्रयत्न म्हणून डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरमच्या वतीने मोटरबाईक आणि सायकल रॅलीचं आयोजन आहे। दिग्रज शहरातील स्वातंत्र्य लढ्यात ज्या ज्या महानुभावांनी आपल्या प्राणाचं बलिदान दिलेलं आहे त्यांच्या स्मारकांना भेटी देऊन त्याचं अभिवादन करण्याचा हा कार्यक्रम आहे। या कार्यक्रमाला दिग्रज शहरातून अतिशय सुंदर असा प्रतिसाद मिळाला। सहभागी सर्वांचं मी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरमच्या वतीने धन्यवाद देतो। धन्यवाद। दिग्रज शहर के अंदर में जो भी इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हुई है, जिनके भी स्मारक बनाए हुए हैं, उन सब जगह पर जाकर सबको अभिवादन किया जा रहा है और जय घोष किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और इन नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस एक नए काम के अंदर में आगे बढ़कर आज़ादी को खुशी से मना रहे हैं।